वेलकम टू श्रुतिज़ किचन फॉर यू। आज हम बनाने जा रहे हैं चीजी मिक्स वेज पराठा। इसके लिए हमने 2 कप आटा और 1.5 कप मैदा ले लिया है। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर मिक्स कर लेंगे। और हल्के गुनगुने पानी से सॉफ्ट आटा तैयार कर लेंगे। इसे करीब 15 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब स्टफिंग के लिए एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। इसमें 1 टीस्पून बटर ऐड कर देंगे। अब इसमें 1 मीडियम बारीक कटा प्याज डालकर सौते कर लेंगे। अब इसमें 2 बारीक कटी हरी मिर्च डाल देंगे। और 1.5 टीस्पून कुटा हुआ अदरक लहसुन डालकर चला लेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून बारीक कटा गाजर डालकर सौते कर लेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटा फ्रेंच बीन्स डाल लेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून हरी शिमला मिर्च, 1 टेबलस्पून लाल शिमला मिर्च और 1 टेबलस्पून पीली शिमला मिर्च डालकर भून लेंगे। अब इसमें 3 टेबलस्पून ग्रेटेड ब्रोकली और फूल गोभी डालकर चला लेंगे। इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून बॉइल्ड मटर भी ऐड कर लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालकर अच्छे से 1/2 मिनट तक चला लेंगे। इसे हमें करीब 3 से 4 मिनट ढककर पकाना है। अब लास्ट में सब्जियों को हल्के हाथ से मैश करेंगे और हरा धनिया डालकर आंच को बंद कर लेंगे। इस मिक्सचर को हमें ठंडा कर लेना है। अब आटे का पेड़ा ले लेंगे और इससे हम करीब 7 से 8 इंच डायमीटर की रोटी बेल लेंगे। ऐसी ही एक और रोटी ले लेंगे। अब 1 रोटी को नीचे रखेंगे, उस पर स्टफिंग को अच्छे से फैला लेंगे। किनारे पर थोड़ी जगह छोड़ देंगे। इस पर ग्रेटेड चीज अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और दूसरी रोटी से अच्छे से कवर कर लेंगे। साइड्स को अच्छे से दबाकर सील कर लेंगे ताकि हमारी फिलिंग बाहर ना आ जाए।
सील करने के बाद इसके किनारों को एक स्पाइरल जैसी शेप देते हुए मोड़ लेंगे। अब तवे पर इस पराठे को धीमी आंच पर पहले बिना ऑयल के सेक लेंगे। एक तरफ से सिकने के बाद पलट लेंगे। और दूसरी साइड को ऑयल लगा देंगे। इसी तरीके से इसको दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। हमारा चीजी मिक्स वेज पराठा तैयार है।